ये आत्मा कैसे जीवन मुक्त होगी? ये आत्मा कैसे भय मुक्त होगी? ये आत्मा कैसे काल जाल से निकल करके जाएगी? ये आत्मा कैसे सब रूप और बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ेगी? जब आप ध्यान करते हैं तो रूप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी रूप, मूर्ति का रूप, गुरु का रूप, किसी भी प्रकार का रूप, कल्पनाएं के भी रूप बना लेते हो, अनेकों अनेक प्रकार के, और फिर उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। जब तक वो रूप नहीं टूटेगा, कोई भी रूप हो, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। कुछ लोग साधना में प्रयास कर रहे हैं, जब दसम द्वार खुलता है, कुछ लोगों को यहां बहुत दर्द होता है दसवें द्वार के ऊपर, कुछ लोगों को चीटी सी चलती अनुभव होती है, कुछ लोगों को प्रकाश का अनुभव होता है, कुछ लोगों को शीतलता महसूस होती है, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर से जल की बूंदें गिर रही हो, कुछ लोगों को कुछ बहता हुआ सा लगता है, कुछ लोगों को किरणें नजर आती हैं जैसे सूर्य की किरणें हैं अनुभव होता है, कुछ लोगों को कंपन महसूस होती है, कुछ लोगों को बिजली की तरह से झटका महसूस होता है, कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोग भय मुक्त हो जाते हैं, कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये महसूस होता है सिर है ही नहीं, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सिर तो है शरीर नहीं है।